मैं तो जानती हूँ वो आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। माँ ने आज सुबह ही मुझे फोन करके बताया कि वो आज शाम को वापस लौट आएंगे। जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने हमारी। बहुत मुश्किल से वहां से बच के निकले हैं। मैं प्लीज थोड़ी देर छुपने के लिए जगह चाहिए। ये तो हवेली और ये इसके पीछे हवेली का जंगल। वो सिंह इसी जंगल में कहीं ना कहीं है। सुनो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, कहाँ हो तुम? जहाँ मनन्या के साथ मिले थे ना। हेलो, वहीं पे थोड़ी आगे गुफा है हवेली के पीछे। क्यों? बस यही एक तरीका था मानवी की जान इस सींग से बचाने का। ओ नो, इनका खून तो बहुत तेजी से बह रहा है। हमें इन्हें यहाँ से जल्दी लेके जाना पड़ेगा, वरना सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। पीछे के रास्ते से बाहर जाइए, वहाँ मेरी दादी आपका वेट कर रही है। वो आपको कमरे में लेके जाएंगे, वहाँ जाके आप लोग मानवी का इलाज करेंगे। लेकिन आपने हमें यहाँ बुला के इन पे हमला क्यों किया? मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो सोचिए आपका क्या हाल करूँगा मैं। चलिए, इनको जल्दी से लेके जाइए प्लीज। अब इस संदूक का क्या करूं मैं? पीछे हटो। अब ये पूरी तरह शांत हो चुका है, अब ये किसी की जान नहीं ले सकता। अब इसे जल्दी से अग्नि के पास ले जाओ। ले जाओ मतलब? तुम मेरे साथ नहीं जाओ? मैं नहीं, लेकिन मेरा वहां जाना उचित नहीं है। अगर उसे ये पता चला कि इस कार्य में मैंने तुम्हारी मदद की है तो तू मेरी जान ले सकता है। और अगर अब तुम मेरे साथ नहीं तो तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? तुम नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। मुझे जाने दो। मुझे सीधी तरह खड़े रहो यहाँ पर। इस मुसीबत में आज खड़ा हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारे इस तंत्र मंत्र की वजह से। आज मैं और मेरा पूरा खानदान इस मुसीबत में है। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से जाने दूंगा तुम्हें मैं? तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पत्नी के अंदर एक खंजर खोपा है। क्या लगता है तुम्हें बच के निकल जाओगे? मार दूंगा तुम्हें मैं जान से। अब तुम ही मुझे यहां से बाहर निकालोगे, समझे तुम? राहुल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे वहां लेके मत जा। अगर उस अग्नि ने मुझे वहां देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तुम आ जाओगे जरूर, पर तुम देखोगे नहीं, इसलिए कह रहा हूं चुपचाप चलो। लेकिन अगर वो मुझे देखेगा नहीं तो मेरी मेरी वहां पे आवश्यकता ही क्या है? तो फिर मुझे क्यों ले जाना चाहते हो वहां? मेरी बात सुनो, मैं आ गई बहुत गुस्से में। डोंट टेस्ट माय पेशेंस, चुपचाप मेरे साथ चलो, समझे तुम? चलो।
बच्ची को? अरे इतनी चोट कैसे लग गई? अरे रब्बा, अरे राहुल कहाँ है? राहुल जी नहीं आए, आप हमें जल्दी से रूम में लेके चलिए, इन्हें ट्रीटमेंट की फौरन जरूरत है, प्लीज जल्दी फास्ट। हाँ जल्दी आइए। प्लीज सुनिए, अपना ज्यादा शोर मत कीजिएगा, धीरे धीरे दबे पाँव आइएगा, ये पिछले दरवाजे से चलेंगे। धीरे धीरे आइएगा। हे भगवान, सब ठीक हो, मगर मानवी को हुआ क्या है पता नहीं, इनको मालूम भी है कि नहीं, पर जब राहुल ने मुझे नहीं बताया तो इनको कहाँ बताया होगा। डॉक्टर साहब कुछ भी करिए, मेरी मानवी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना, जैसे भी उसे ठीक कर दीजिए, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर घाव ज्यादा गहरा हुआ तो इनकी ड्रेसिंग हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, इन्हें हमें हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। हाय रब्बा, उसकी नौबत ना आए, मेरी बच्ची ऐसे ही ठीक हो जाए। मैं ना राहुल से बात करती हूँ। हाँ दादी। हाँ राहुल पुत्र। मानवी को होश आया? वो ठीक है? नहीं नहीं पुत्र, अभी होश ही नहीं आया उसे। डॉक्टर देख तो रहे हैं। पर तू फिक्र मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा पुत्र सुन, वैसे ये टाइम तो नहीं है ऐसी बात पूछने का, पर एक बात बता, तू जो कर रहा है वो सब ठीक तो है ना? मुझे ना बहुत फिक्र हो रही है तेरी पुत्र। आप मेरी फिक्र मत करो दादी, आप बस मानवी का ख्याल रखिए। ठीक है पुत्र, उसका ध्यान तो मैं रख रही हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, तू बस जल्दी से घर आ जा। ठीक है दादी। माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कभी कोई नुकसान ना पहुंचे। मुझे पता है तुम्हारे मन में हजारों सवाल होंगे मानवी, और मैं जानता हूँ कि उन सवालों के जवाब मुझे देने पड़ेंगे, और मैं दूंगा भी, बस ठीक हो जाओ। बस 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 यहीं रुको, यही वो जगह है। तुम यहीं पर रुको, मैंने जो जो काम तुम्हें कहे हैं वो वक्त पर करते रहा। लेकिन राहुल, तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? अच्छी तरह से जानता हूँ, कबीर ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट जो कुछ करना था वो उसने कर लिया, अब और नहीं, अब उसे उसके किए की सजा मिलेगी, और ये सजा उसकी मौत होगी। और हाँ, याद रखना, अगर तुमने मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो कबीर के बाद सीधा तुम्हारा नंबर आएगा, समझ गए? नहीं राहुल, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ कि अग्नि से मैं डर गया था, लेकिन मुझे अपने उस किए पे पछतावा है, इसलिए देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, अग्नि के साथ नहीं, और मेरा यकीन करो कि आखिरी दम तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ये वादा है मेरा तुमसे। दीजिए। कबीर, कबीर, अपनी भला को तो तूने आवाज दे दिया, अब तो दिखा बॉक्स में सिंह है भी कि नहीं। भरोसा रखो, अब इतनी शक्ति तो होगी तुम्हारे अंदर कि जिस चीज की तलाश इतने अरसे से कर रहे थे उसे महसूस तो कर ही लिया होगा तुमने। इसी सिंह को ढूंढ रहे हो ना? तो अगर मानवी को कुछ हुआ होता तो राहुल ऐसे बिहेव नहीं करता, यानी ये खून मानवी का नहीं है तो फिर किसका है? इसी सिंह के, आराम से, हमारे बीच में एक सौदा हुआ था कल, मैं तुम्हें ये सिंह ला के दूंगा और तुम मेरी मॉम को मुझे वापस करोगे। हाँ ये लोग भी कितने फिल्मी होते हैं ना, वादा भरोसा इन सब चीजों पर कितना यकीन करते हैं। तुम इंसानों की तरह बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि मैं इंसानी तो क्यों निभाऊंगा मैं अपना वादा? हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते कबीर। मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो क्या करेगा, पुलिस के पास जाएगा? वो पुलिस भी तो मेरी तरफ है, क्या करेगा, अब तो ऊपर वाला ही तुझे बचा सकता है, और उसके लिए तुझे
ऊपर जाना होगा। शायद तेरी सासू माँ को मैंने ऑलरेडी वहीं भेज दिया। लेकिन अगर मेरी मॉम को तुमने ऊपर भेज ही दिया है तो फिर मेरे लिए सिंह का क्या काम? तोड़ देता हूँ इसे। तू ऐसा नहीं करेगा। हाँ तू ऐसा नहीं कर सकता। मां अगर अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी मॉम यहां पर नहीं खड़ी हुई तो मैं ये सिंह तोड़ दूंगा। राहुल वेट, रुक जा। जा बेटा उसे लेकर आ। मैं ला तुम राहुल। आई रियली होप ये पंडित अपना काम ठीक ठाक कर रहा हूं। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सालगिरह मुबारक। वो राहुल, पार्टी तो अच्छी खासी चल रही थी मगर तुमने डैड के खास दिन पर उनके खास दुश्मन को बुला के पूरे रंग में फंग डाल दिया। थैंक्स। व्हाट? अब आई मीन एक्सक्यूज मी शालिनी, एक मिनट। डैड मैं एक मिनट। शालिनी तुमने सुना? डैड ने उन्हें एक्चुअली थैंक्स बोला। Can't believe this. मुझे भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। But I think कि ये उस आग वाले इंसिडेंट के बाद हुआ है, जब डैड एंड फर्टीचर लोगों के घर रहने गए थे, तभी इन लोगों की सुलह हो गई होगी। इसका मतलब जो आग मैंने घर जलाने के लिए लगाई थी उस आग में इनकी दुश्मनी जल गई। Damn it. निशा? जी मॉम। ये राहुल और मानवी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? हाँ मुझे नहीं पता मॉम, एक्चुअली बहुत देर से मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दिए। ढूंढ रही हूँ का मतलब? अरे जाके ढूंढो, ठीक से ढूंढो, रूम में गए होंगे। हाँ ओके। रुको निशा। सोनाली बेटा, मैं ना तुझे बताना तो नहीं चाह रही थी लेकिन तू इतनी परेशान हो रही है इसलिए बता रही हूँ। राहुल और मानवी ना बाहर गए हैं तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज लेने के लिए। दूसरा सरप्राइज? ये एक सरप्राइज ही काफी था अभी, पर कहाँ गए उन लोग? पुत्र जी सरप्राइज है, पहले कैसे बता देंगे? अब जो भी वो दोनों कर रहे हैं ना उन्हें करने दो। ये बच्चे भी ना। तुम्हारा बेटा है। हाँ एक्सक्यूज मी। हाँ जरा वेटर को बोलो इनके लिए ड्रिंक्स लाए। हाँ शुक्र है भगवान का इनको शक नहीं हुआ। अब मैं जल्दी से जाकर मानवी को देखती हूँ। गॉड शालिन, आई जस्ट हेट दिस राहुल एंड मानवी। देखा शालिन तुमने कैसे शो ऑफ करके ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं? लास्ट ईयर तक ये सारी पार्टीज मैं और डैड मिलकर ऑर्गेनाइज किया करते थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ से ये मानवी बीच में कूद पड़ी। I'm sure वो ये सब दिखावा इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको इस घर की आइडियल बहू जो बनना है। राइट। डोंट वरी निशा, डोंट वरी। ये पार्टी तुम्हारी पार्टीज के सामने एकदम फीकी है। यहाँ लोग आएंगे, खाना खाएंगे, ड्रिंक्स करेंगे और घर चले जाएंगे। किसी को ये पार्टी याद भी नहीं रहेगी। देखना तो रिलैक्स, टेंशन मत लो। आई विश कि ऐसा ही हो पर राहुल और मानवी ऐसे बीच पार्टी को छोड़ के मॉम डैड के लिए सच में सरप्राइज के लिए गए हैं या बात कुछ और ही है? पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल और मानवी कुछ छुपा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा राज। थैंकफुली इनका घाव इतना ज्यादा गहरा नहीं था, अभी इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा। हाँ थोड़ा वक्त लगेगा इनको ठीक होने में। पर डॉक्टर साहब, मेरी मानवी बच्ची खतरे से तो बाहर है ना? जी आप ये कोई मिरेकल ही समझिए,
इतनी धारदार चीज से वार होने के बावजूद इनका घाव इतना गहरा नहीं था। डॉक्टर साहब, मानवी पर हमला किसने किया? जी, इनके हस्बैंड ने ही इन पे। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मेरा राहुल ऐसा नहीं कर सकता। वो तो मानवी को बहुत प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। वो कितनी बार इसे बचाने के लिए अपनी जान पर खेल गया, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता डॉक्टर साहब, नहीं कर सकता वो। मेरा यकीन कीजिए मैडम, सब कुछ हमारे सामने उसी सुरंग में हुआ था जहाँ मिस्टर राहुल ने हमें पहले से ही बुलाकर रखा था। हमारे सामने इनके ऊपर उन्होंने हमला किया और हमें इन्हें फौरन यहाँ पे लेके आने को कहा ताकि हम इनको बचा सके। पता नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तो बस इतना पता है कि मेरा राहुल कभी गलती से भी मानवी को इतनी जबरदस्त चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ किया है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी। हाँ, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इस बात को इस कमरे से बाहर मत जाने दीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, इस कमरे से ये बात बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोंट वरी। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर, राहुल ने मानवी पे हमला? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सब। हाय रब्बा, राहुल की मदद करना। वो जो भी कर रहे हैं ना, वो सही होवे। मम, आप ठीक है ना? राहुल बेटा, चल सिंगल। आप फिक्र मत कीजिए मैम, मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा, कुछ नहीं होगा आपको। ए चुप, वो मैं तय करूंगा। चल सिंह दे, सिंह दे, पहले मेरी मॉम को यहाँ भेजो। पहले सिंह दे राहुल। देखो कबीर, मेरा दिमाग मत खराब करो तुम, मैं तुम पे विश्वास नहीं करता हूँ। मॉम को भेजो और तुम्हारा सिंह मैं तुम्हारे पास फेंक दूंगा। अग्नि, छोड़ दे उसे। कहीं मैंने उस गुरु पर यकीन करके कोई गलती तो नहीं की? वो मुझे पहले भी नुकसान पहुंचा चुका है, क्या पता इस बार भी उसका यही रहता हूं। हेलो हेलो हेलो, ईश्वर यहां तो सिग्नल ही नहीं है। मैं रिक्शक। राहुल मानी, रोना धोना बंद करो। सिंह दे मुझे, राहुल सिंह दे। ए, मैं कह रहा हूं सिंह दे, वरना दोनों को यही मार दूंगा मैं। मैं कैसे मदद करूं राहुल की? लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अन्यथा दोनों में से मुझे कोई ना कोई अवश्य मार देगा। वो सिंह कोई आम सिंह नहीं है। सालों पहले उसे मंदिर के देवता बाघ से ढूंढ के लाए थे ताकि इसके कारण धरती पे इंसानियत की रक्षा की जा सके। वो सांड अपने शैतानी रूप में वनस्पति जीवों इन सबको मार के खाते थे और अब तो वो इंसानों को भी नुकसान पहुंचाने लगे थे। अगर इस सींग में सचमुच कोई शक्ति है तो मैं इसे कबीर को नहीं दे सकता। ये इसका सिर्फ गलत इस्तेमाल करेगा। ये सींग इसके हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। पर फिर मैं शिल्पा माँ को लेकर यहाँ से जाऊंगा कैसे? मैंने कुछ नहीं होने दे सकता। क्या सोच रहा है तू? तुझे मरना है तो सींग दे मुझे, मैं बताओ तुम दोनों को खत्म कर दूंगा मैं यहाँ पे। राहुल सिंह दे। नहीं राहुल, अगर ये सिंह उसके हवाले देने से मानवी और तुम्हारी जान को खतरा है तो मत दो इसे। वो सिंह, मैं अपने बच्चों की जान की कीमत पर अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहती। ए, तू बकवास बंद कर, समझी? सिंह दे। यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था इसलिए मैं पुलिस को नहीं बुला पाया।
लेकिन इस सींग को इस संदूक में ही सुरक्षित रखा जा सकता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।